5,44,00,000 की लागत से दुर्ग शहर के गौरव पथ का होगा चौड़ीकरण। शहर विधायक व महापौर ने किया भूमि पूजन। जेल तिराहा से गांधी चौक तक जाने वाले दुर्ग शहर के गौरव पथ का चौड़ीकरण का कार्य 5,44,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन बुधवार की शाम शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बागलीवाल के द्वारा किया गया। इस मौके पर गौरव पथ के नए स्वरूप की जानकारी देते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि गौरव पथ की चौड़ाई दोनों ओर 7-7 मीटर बढ़ाई जाएगी और सड़क के बीच में डिवाइडर का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया जाएगा। साथ ही विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज भाकलीवाल ने कहा कि गौरव पथ का चौड़ीकरण जेल तिराहा से JRD स्कूल के सामने स्थापित गांधी जी की प्रतिमा तक किया जाएगा और सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण किया जाएगा। शेष बची जगह पर सौंदर्यीकरण होगा। 6 माह की कार्य अवधि में कार्यों को पूरा किया जाना है। गौरव पथ के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन के दौरान निगम आयुक्त हरेश मंडावी, RN वर्मा सभापति, राजेश यादव प्रभारी, लोक कर्म विभाग अब्दुल गनी, दीपक साहू, ऋषभ जैन, संजय कोहले, हमीद खोकर सहित MIC सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस संबंध में विधायक वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रकाश व्यवस्था के लिए खंभे लगने शुरू हो गए हैं। सड़क में डामरीकरण का भी कार्य प्रारंभ होगा, सौंदर्यीकरण का भी काम चालू है। ठगड़ा बांध जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एकदम में कभी सोच ही नहीं सकते थे, उन्होंने परिकल्पना ही नहीं की, उसकी परिकल्पना हमारी सरकार ने की और लगभग 14 करोड़ रुपये की राशि उसमें दी। शंकर नाला के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप खुद दूर के रहवासी हैं। जब भी बाढ़ आती थी घरों तक लोगों को पानी पहुंच जाता था। लगभग हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में अकारण 6 से 7 लोगों की मौत उसमें डूब जाने से हुई है, बह जाने से हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार हमारी आई, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसमें इसका निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने तत्काल 14 करोड़ रुपए की राशि दी और 14 करोड़ रुपए की राशि से काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कितनी बरसात आई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। मैंने समय समय पर अधिकारियों से कहा है, मंत्री जी से भी कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काम जिस गति से चलना चाहिए था उसकी रफ्तार धीमी है। आज ही मैंने सेतु विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जो अंडर ब्रिज बन रहे हैं वो भी कांग्रेस शासन की देन है, लगभग 80% बन गए हैं, चाहे वो सिकोला फाटा वाला मोहन नगर का अंडर ब्रिज हो या रायपुर नाका का अंडर ब्रिज हो, ये काम लगभग अब सब 80-75% पूरे हो चुके हैं। अब पूरा काम हो गया है, अब थोड़ा सा काम बचा, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए, उसमें रफ्तार तेज होनी चाहिए। आज ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है और मैंने नाराजगी भी जाहिर की है कि अगर इस काम में देरी होगी तो जन आक्रोश का सामना संबंधित अधिकारियों को करना पड़ सकता है। सुरक्षा देना, लोगों को उनके अधिकार देना और जो उनके जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। आज नगर निगम के माध्यम से जो यहाँ पर एक कार्य का शुभारंभ किया गया है, महापौर महोदय भी यहाँ पर है, सभापति भी हैं, निगम के सारे अधिकारी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पार्षदगण हैं, सब लोग हैं और सब ने इस बात का संकल्प लिया है कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के बीच में जाकर सेवा की, उसी तरीके से विकास कार्यों के लिए भी पूरा उनका प्रयास रहेगा और दुर्ग शहर को हम अच्छा आदर्श शहर, वैसे तो दुर्ग शहर आदर्श शहर शुरू से रहा है, उसको और अधिक मजबूती देंगे। जो सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत ज़रूरी था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस सड़क का नाम गौरव पर दिया गया, 6 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर लगाई गई, लेकिन इसको देखने के बाद कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि 6 करोड़ रुपए लगाया गया। ये फुटपाथ बनाए गए थे वो उखड़ने लग गए हैं, लाइट की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पूरा गौरव पंथ पथ में अंधकार का साम्राज्य बना हुआ है। अभी हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि गौरव पथ का नाम के अनुरूप का स्वरूप होना चाहिए और उन्होंने कहा कितनी राशि लगेगी, हमने अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा इसमें राशि लगेगी, तो 6,87,00,000 रुपये इसमें स्वीकृत हुए हैं, इसमें डिवाइडर बनेगा,
प्रकाश की व्यवस्था होगी और सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे। तो इस काम 6 महीने के अंदर अधिकारियों ने कहा है कि काम पूरा करवा लिया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य, गुणवत्ता के आधार पर ये काम होगा, कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो इस कार्य को आज इसका हमने शुभारम्भ किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।